हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। सो क्लास सेवन साइंस वी आर कंटिन्यूइंग चैप्टर टू। सो दिस इज़ पार्ट सेकेंड ऑफ चैप्टर नंबर टू। सो वी हैव स्टडीड अबाउट इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ एनिमल, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स वी हैव स्टडीड, एंड वी आर गोइंग टू स्टडीड अबाउट न्यूट्रिशन इन अमीबा। सो टूडेज वी आर गोइंग टू कंटिन्यू न्यूट्रिशन इन अमीबा। सो लेट्स स्टार्ट। अमीबा इज़ अ जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। इसके अंदर सिर्फ सिंगल सेल होती है। सो अमीबा के बारे में हम यहाँ थोड़ा सा स्टडी करने वाले, पढ़ने वाले। सो लेट्स स्टार्ट। न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। अमीबा है वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब माइक्रोस्कोप से दिखता है। सिंगल सेल्ड है, मतलब सिर्फ एक सेल होती है इसके अंदर, और जो है नॉर्मली पॉन्ड वाटर में, तालाब के पानी में ये रहता है, मिलता है। इट हैव अ स्पेशलाइज सिस्टम फॉर द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। और इसके अंदर जो न्यूट्रिशन है उसके लिए एक प्रोसेस जो होती है वो एकदम स्पेशल वाली है, एकदम स्पेशलाइज सिस्टम है इसके न्यूट्रिशन के प्रोसेस का। द आउटर बॉडी सरफेस ऑफ अमीबा कंटेन्स वेरी स्मॉल ऑर्गन्स कॉल्ड स्यूडोपोडिया दैट हेल्प्स देम टू कलेक्ट फूड पार्टिकल्स और जो है अमीबा है उसके अंदर जो है इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो आउटर शेल जो होती है, आउटर बॉडी सरफेस होती है, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं जिनको स्यूडोपोडिया बोलते हैं। स्यूडोपोडिया फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, फिंगर के जैसी जो है प्रोजेक्शंस होती हैं, जो कि एक्चुअल में है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, लेकिन जो है बॉन के बॉडी से निकलती हैं। यू कैन सी, देखो फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है यहाँ पे हमको दिख रहा है, ये है फूड पार्टिकल्स हैं, उनको कलेक्ट करने में ये जो है अमीबा की हेल्प करती हैं। अमीबा फीड ऑन बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स लाइक डेटोमस, मिनट्स, एलगी एंड माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स लाइक अदर प्रोटोजोआ, नेमेटोड्स एंड इवन डेड ऑर्गेनिज्म मैटर। न्यूट्रिशन इन अमीबा इज़ होलोजोइक। और जो न्यूट्रिशन होता है अमीबा में वो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, जो है होलोजोइक है, मतलब दूसरे एनिमल्स और जो दूसरे प्लांट पे है, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ही अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करता है। सो अमीबा है कुछ जो बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोपिक प्लांट जो होते हैं पॉन्ड वाटर के अंदर, जो है डायटॉम्स है, मिनट एलगी है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। और माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स एकदम सूक्ष्म जीव जो हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ हो गया या फिर नेमेटोड्स हो गया, जिसको सूक्ष्मकृमि हिंदी में बोला जाता है। और कुछ डेड ऑर्गेनिक मैटर्स हैं वो भी ये जो है न्यूट्रिशन के लिए अपने जो है फूड पार्टिकल्स के फॉर्म में ये गेन करता है, लेता है, अपटेन करता है। सो इसके अंदर जो न्यूट्रिशन कैसा हो गया, होलोजोइक हो गया, क्योंकि ये खुद नहीं बना रहा है अपना खाना, दूसरों पर डिपेंड कर रहा है। नाउ मैकेनिज्म, अब जो है इसका जो फूड इंटेक करने का जो मैकेनिज्म है वो क्या है, इंजेक्शन ऑफ फूड जो है अमीबा में कैसे होता है हम देखेंगे। When an amoeba comes in touch with a food particle, it expands its cup-shaped pseudopodia, singular pseudopodium, around the food. अब जो है फूड इसके आसपास आता है, अमीबा के आसपास आता है, तो इसके जो कप शेप के जो इसके pseudopodia होते हैं, फिंगर लाइक जो इसके extensions होते हैं, जिनको सिंगल फॉर्म में हम pseudopodium बोलते हैं और प्लूरल फॉर्म में pseudopodia बोलते हैं, वो उसके फूड के अराउंड है, वो एक्सपेंड कर जाते हैं, फैल जाते हैं। ग्रेजुअली द pseudopodia कवर द फूड एंड एनगल्फ इट इन टू इट्स साइटोप्लाज्म। और जो अपने आप है जो सूडोपोडिया है, फूड को कवर कर लेते हैं और उस जो है साइटोप्लाज्म के अंदर फूड को निगल लेते हैं। देखो जहाँ से ये जो है प्रोजेक्शन लाइक फिंगर जो लाइक जो स्ट्रक्चर निकली, मान लो यहाँ पे फूड है, तो क्या करेंगे, ये बढ़ते जाएंगे ऐसे थोड़ा निकलते जाएंगे, और जैसे फूड अंदर आ जाएगा तो उसको क्या करेंगे, इसको अब जो है वापस से इसको कनेक्ट करके जो पूरा जो सेल है उसको बंद कर लेंगे और इसके अंदर जो है फूड आ जाएगा, ऐसे करके वो इंजेक्ट करते हैं। अब इसका रीज़न क्या है, क्योंकि सिर्फ इसके अंदर सूडोपोडिया होता है, इसके लिए अलग से ऑर्गन नहीं होते हैं फूड के इंजेक्शन के लिए, सिर्फ इसकी जो बॉडी सरफेस है, इसकी जो सेल जो है वही काम करती है, आउटर सरफेस ही काम करती है फूड को इंजेक्ट कर, फूड को लेने के लिए भी और फूड को एग्जिट करने के लिए भी। ठीक है, अ मेथड टू स्टॉप मिल्क फ्रॉम दिस इज़ प्रोसेस ऑफ इंजेशन विच टेक अबाउट 2 मिनट्स। अब जो है ये जो इंजेशन की प्रोसेस है, खाना अंदर लेने की जो प्रोसेस है वो लगभग 2 मिनट के आसपास का टाइम लगाती है। फूड पार्टिकल्स विद इन द बॉडी ऑफ एन अमीबा इज कॉल्ड फूड वोकल्स। अमीबा देन सेक्रेट्स डाइजेस्टिव जूस एंजाइम्स टू ब्रेक डाउन दिस कॉम्प्लेक्स फूड इंटू सिंपलर सोल्यूशन।
और जो अमीबा है उसमें 2 मिनट का टाइम लगता है फूड को इंटेक करने के अंदर, और जो फूड पार्टिकल है जब अमीबा की बॉडी में जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फूड वोकल्स, फूड वोकल अमीबा है। उसके बाद एक डाइजेस्टिव जूस जो है सेक्रेट्स करता है, निकालता है, जिनको एंजाइम्स बोलते हैं, जो कि उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल सॉल्यूशन में ब्रेक डाउन कर देंगे, तोड़ देंगे। हमको पता है हमारी बॉडी भी ऐसे काम करती है, हम जो है फूड खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स होता है जिसको हमारी बॉडी सिंपलर फॉर्म्स में ब्रेक डाउन करती है, तोड़ती है। दिस प्रोसेस कॉल्ड डाइजेशन। और ये प्रोसेस क्या हो गया, डाइजेशन का प्रोसेस हो गया फूड को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करके उसको जो है डाइजेस्ट करना, उस जो प्रोसेस है वो डाइजेशन हो जाता है। फाइनल द डाइजेस्ट फूड इज़ एब्जॉर्ब्ड इनटू द साइटोप्लाज्म, और लास्ट में जो है जो जितना भी फूड डाइजेस्ट हुआ है वो साइटोप्लाज्म जो होता है इसका उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एट एनी पॉइंट थ्रू टेम्पररी वोकल्स। अब जो बचा हुआ जो फूड है, मतलब जो एक्स्ट्रा फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड है, जो वेस्ट जो फूड मटेरियल है जो है वो उसकी बॉडी के अंदर जो वोकल्स होते हैं, खाली जो जगह होती है सेल के अंदर, जैसे आपको पता हो तो जो है टेम्पररी वोकल्स होते हैं उनसे होके जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉस की जो है अमीबा की बॉडी से बाहर निकल जाता है। दिस मेड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड फैगोसाइटिस। तो ये जो है, ये जो न्यूट्रिशन है जो अमीबा में होता है इसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में देखो, इसमें है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो सुडोपोडिया है वो फूड के आसपास जाके फूड को कवर कर लेते हैं, उसके बाद जो फूड है इसके बॉडी के अंदर चला जाता है साइटोप्लाज्म, और फिर साइटोप्लाज्म को एब्जॉर्ब कर लेता है जितना भी इसका जो नरिशमेंट है। सो ये जो है ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, ये हो गया फैगोसाइटोसिस। अब है डू यू नो पॉइंट्स, लेट अस नो फॉलोइंग टर्म्स। कुछ टर्म्स है हमारे पास, ये हमको देखनी है। फ्रूगीवरस, एनिमल दैट फीड ऑन फ्रूट्स आर कॉल्ड फ्रूगीवरस, फॉर एग्जांपल मंकी, बर्ड, बैट्स। फ्रूगीवरस जो एनिमल्स हैं जो सिर्फ फ्रूट्स वगैरह पे जो है न्यूट्रिशन के लिए, खाने के लिए डिपेंड होते हैं, तो उनको बोलेंगे फ्रूगीवरस। उसके बाद है सेंगिनिवरस, एनिमल दैट फीड ऑन ब्लड ऑफ वेट्रेबेट एनिमल्स आर कॉल्ड सेंग्निवरस, फॉर एग्जाम्पल फीमेल मस्किटो एनफ। सो सेंग्निवरस है एनिमल्स जिसके जो है वर्टेब्रेट जो होते हैं, मतलब वर्टेब्रेट वो होते हैं जिनके अंदर है बैकबोन होती है, वो एनिमल्स या वो ऑर्गेनिज्म जिनमें बैकबोन होती है उनको बोलते हैं वर्टेब्रेट। सो वर्टेब्रेट के जो ब्लड है उसके ऊपर जो है फीड करते हैं सेंग्निवरस। और इसका एग्जाम्पल हो गया जो फीमेल मस्किटो है, एनाफिलोज है, लीचेज है, एंड वैम्पायर बैट है, यानी कि जो वर्टिब्रेट है उनका खून चूसते हैं। डेट्रीवरस, एनिमल्स दैट फीड ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिज्म मैटर आर कॉल्ड डेट्रीवरस, फॉर एग्जाम्पल अर्थ वॉर्म। जो डिकेइंग मटेरियल्स पे जो ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए वो होते हैं डेट्रीवरस, और एग्जाम्पल हो गया इसका अर्थ वॉर्म। सो ये है कुछ टर्म्स हैं जो आपको जाननी है, इसमें 3 जो न्यू टर्म्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज़ अबाउट लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर है वो एक साइंटिस्ट थे, तो उनकी जो है यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रखा है, सो क्यों पढ़ना है हमको इसके बारे में देखते हैं। लुईस पाश्चर 1822 to 1985, इनका लाइफ स्पैन है वो 1822 से लेकर 1985 तक था। लुईस पाश्चर वॉज वर्ल्ड रिनाउंड फ्रेंच बायोलॉजिस्ट एंड केमिस्ट। फ्रेंच बायोलॉजिस्ट और केमिस्ट हैं, पूरी दुनिया में फेमस हैं। रिनाउंड मतलब फेमस। He is regarded as one of the 3 main founder of microbiology together with Ferdinand Cohn and Robert Koch. So 2 scientists थे जिनको microbiology का एक founder माना जाता है, तो जो 3 scientists थे उनमें से ये एक थे। He is best known for his remarkable discovery in the cause of and prevention of disease and for developing the first vaccine for rabies. और इनके लिए, इनको जो क्यों जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने एक बहुत रिमार्केबल डिस्कवरी की थी कि कोई भी जो डिज़ीज़ है उसका कारण क्या होता है और उससे बचा कैसे जा सकता है, उसके कॉज और प्रिवेंशन के बारे में इन्होंने जो है डिस्कवरी की थी। और स्पेशली जो है इन्होंने फर्स्ट वैक्सीन बनाया था रेबीज़ का, जो रेबीज़ है बीमारी होती है उसका वैक्सीन उन्होंने बनाया था। पोस्टर फर्स्ट
प्रूव दैट मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इन्होंने ही सबसे पहले ये बताया था कि जो मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज होती है, संक्रामक डिजीज होती हैं, कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के जरिए होती हैं। मतलब जो सूक्ष्म जीव है, बहुत सारी जो बीमारियाँ हैं वो पैदा करते, सबसे पहले इन्होंने ये बताया था। दिस बिकेम नोन एज अ जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। और ये जो उन्होंने टॉपिक, ये उन्होंने जो बात बताई कि जो है कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं वो माइक्रोजम के थ्रू होती हैं, सो ये जो है डिजीज़ जो जर्म थ्योरी है डिजीज़ के लिए, जो है उस थ्योरी का ये जो है बेस बना। पॉस्चर इन्वेंटेड अ मेथड टू स्टॉप मिल्क फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल। और लुईस पॉस्चर उन्होंने ये जो है मेथड इन्वेंट किया था जो दूध को ख़राब होने से बचाता है। दिस प्रोसेस लेटर कम टू बी नोन एज पॉस्चराइजेशन। और इस प्रोसेस को बाद में पॉस्चराइजेशन का नाम दे दिया गया। पॉस्चर वर्क थ्रू आउट हिज लाइफ ऑन द वेरियस कॉज ऑफ डिजीज एंड हाउ दिस कुड बी प्रिवेंटेड बाई वैक्सीनेशन। और पॉस्चर ने अपनी पूरी लाइफ में बहुत अलग अलग जो है डिजीज़ के कॉज के बारे में जानने की कोशिश करी, और उसके बाद अलावा जो वैक्सीनेशन के थ्रू उनको कैसे रोका जा सकता है, डिजीज़ को फैलने से कैसे रोका जाता है, प्रिवेंट किया जा सकता है, ये उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में उन्होंने यही काम किया था। मतलब उन्होंने अब जो है मेडिकल जो वर्ड है उसके लिए बहुत जो काम किया है। नेक्स्ट इज़ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग। सो ह्यूमन बींग में न्यूट्रिशन है वो कैसे होता है, कौन से ऑर्गन से होता है, हम ये देखने वाले हैं इसमें। सो और बॉडी नीड्स एनर्जी टू डू वर्क, वी गॉट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड वी ईट। द फूड वी ईट कैन नॉट बी यूज एज सच बाय आवर बॉडी। अब जो भी हम फूड इनटेक करते हैं उसको हम एनर्जी फॉर्मेशन के काम में लेते हैं, मतलब जितना भी हम एनर्जी हम गेन करते हैं हमारे फूड से आती है वो। द फूड वी ईट कैन नॉट बी यूज एज सच बाय आवर बॉडी। अगर बॉडी है उसको एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाती है तो वो फूड हमारे किसी काम का नहीं है। टू मेक द फूड यूजेबल बाय आवर बॉडी द फूड मस्ट बी ब्रेकन इंटू सिंपलर एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। अब जो फूड है हमारी बॉडी के काम आए, हमारी बॉडी उस फूड को यूज़ कर पाए, इसके लिए ज़रूरी क्या है कि जो फूड पार्टिकल्स हैं वो सिंपलर और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में टूटें। द सिंपलर एंड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स आर देन एब्जॉर्ब बाई द बॉडी सेल्स। अब जो सिंपल अगर और सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स में अगर टूट जाएंगे फूड पार्टिकल्स, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स, तो हमारी जो बॉडी सेल्स हैं उस जो है मॉलिक्यूल्स को ईजिली एब्जॉर्ब कर पाएंगी, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो उसको जो है एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएंगी। द अनअब्जॉर्ब पोर्शन ऑफ द फूड इज थ्रोन आउट द बॉडी एज फीसेस स्टूल। और जो अनअब्जॉर्ब फूड है जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है वो है हमारी बॉडी से बाहर निकाल जाता है पीसेस के फॉर्म में, स्टूल के फॉर्म में, जो है हिंदी में बोलते हैं मल, पीसेस के फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन्वॉल्व्स मैनी स्टेप्स एंड इट कैरिड आउट बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम। और जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, और जो है ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो डाइजेशन सिस्टम है वो करता है। The organs which constitute the digestive system of human beings are, और जो organs digestive system जो है बनाते हैं हमारा वो जो है यहाँ पर दिए हुए हमको देखते हैं कौन कौन से हैं। सो फर्स्ट इज़ फूड ट्यूब और एलिमेंट्री कनाल। जो फूड जो ट्यूब होती है, एलिमेंट्री कनाल होती है, वो सबसे पहला जो है पार्ट होती है जो डाइजेस्टिव सिस्टम का। सेकेंड इज़ बकल कैविटी। बकल कैविटी मतलब मुख गुहा, यानी कि जो मुंह से मुंह का जो हमारा हिस्सा होता है वो बकल कैविटी में आता है। फूड पाइप और ओसोफेगेसिस। फूड पाइप जो जो है ग्रास नली जिसको हिंदी में बोला जाता है। स्टमक पेट, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, रेक्टम मलाशय, एनस गुदा। सो ये जो है ये ऑर्गन्स है जो हमारी डायजेस्टिव सिस्टम को फॉर्म करते हैं, ये ऑर्गन्स हमारे डायजेस्टिव सिस्टम को फॉर्म करते हैं। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, अब पिक्चर में देख के बताते हैं कौन कौन सा पार्ट कहाँ कहाँ होता है। सो सबसे पहले है हमारा जो डायजेस्टिव सिस्टम है, सबसे पहले स्टार्ट होता है बकल कैविटी से, यानी कि माउथ से। तो माउथ होता है, माउथ के अंदर जो है सलेवरी ग्लैंड होती है, लार जो ग्रंथियाँ होती हैं जहाँ से लार निकलता है, सलाइवा निकलता है। उसके बाद आता है पार्ट जो है ग्रास नली जो होता है, खाने की जो नली है, और ओसोफेगेसिस फूड पाइप जो होता है वो आता है। अब फूड पाइप में भी बहुत सारे लेकिन अलग अलग जो है ऑर्गन्स होते हैं जो है इनबिल्ट होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में ही देखेंगे। नेक्स्ट है लीवर होता है, स्टमक होता है हमारी जो है लेफ्ट साइड में स्टमक होता है, गॉल ब्लैडर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन
पेनक्रियास और एनस। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं पूरा जो है डायजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन का जो है डायग्राम है, इसको आप अच्छे से देखोगे तो आप समझ जाओगे हमारी बॉडी का जो डायजेस्टिव सिस्टम है वो कुछ ऐसे अरेंज होता है। ओके, नेक्स्ट इज़ डाइजेस्टिव ग्लैंड। सो हमारी बॉडी में है जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के अलावा कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, उन ग्लैंड्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले है ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स जो है लार ग्रंथियाँ जो है, उसके बाद है लीवर, लीवर को हिंदी में बोलते हैं यकृत या जिगर, पेनक्रियास, पेनक्रियास है अग्नाशय, गॉल ब्लैडर पित्ताशय। सो इनके हिंदी मीनिंग में मैंने दिए हैं आपको ताकि अगर आपको कोई हिंदी में भी पूछ ले तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। द डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉम ओसोफेगस टू द एनस इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। सो अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है जो कि है हमारी फूड पाइप से लेकर एनस तक, यानी कि हमारे जो है यहाँ से लेकर फूड पाइप से लेकर एनस तक जो पूरा ये जो है ये पूरा जो पार्ट है ये एक एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जाना जाता है, इसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल इज़ अबाउट 9 मीटर लॉन्ग। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो 9 मीटर तक लंबाई इसकी होती है। नाउ वी डिस्कस द जर्नी ऑफ फूड थ्रू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक। और अब है इसके बाद में हम जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारा जो फूड है कहाँ से लेकर कहाँ क्या क्या होके गुजरता है और लास्ट में जो है हमारा कैसे यूटिलाइज होके जो है वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, पूरी की पूरी प्रोसेस जो है पूरी की पूरी जो ट्रैक्ट है प्रणाली है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है हम उसको पढ़ेंगे। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे एंड रिवाइज दिस चैप्टर।